पहले कुछ 40-45 साल बहुत मज़े से गुजारे, बहुत आनंद मिला और एक मौका भी मिला कि आगे जाकर जो है दूसरों को ये आनंद दिखा दूँ और दैट्स ऑल, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। सो थैंक यू वेरी मच मुझे सम्मानित करने के लिए। Experience of more than 25 years, having directed more than 15 plays in Bengali and Hindi. He has worked with NSD Repertory Company for 6 years. He then conducted theatre workshops with NSD in Jaipur, Jorhat, Assam and Andaman and Nicobar, where he taught acting, mime and music. It's an honour to have you, sir. Thank you. अभिजीत सर प्लीज दो शब्द हमारे दर्शकों के लिए। नमस्ते, मुझे जो आज सम्मान मिला है इसके लिए मैं सचमुच बहुत आभारी हूँ और रोहितास के पिताजी के साथ तो काम करने का मौका नहीं मिला मुझे, लेकिन रोहितास के साथ रेपेट्री में हम लोगों ने 6 साल बिताए और बहुत सारे नाटक भी किए हैं एक साथ। अभी मैं थिएटर नहीं कर रहा हूं, लेकिन 70 से लेके 1994 तक मैं सिर्फ थिएटर ही किया है और 80 में पास आउट होने के बाद जब मैं बंगाल गया मेरा एक ही सपना था कि मैं प्रोफेशनल थिएटर करूं, बिकॉज आई बिलीव इन प्रोफेशनल थिएटर। इसलिए क्योंकि प्रोफेशनल थिएटर में एक एक्टर को सुबह से लेकर शाम तक रात तक एक जर्नी के थ्रू जाना पड़ता है। सारे कलाओं में आपने देखा है कि डांस बोलिए, म्यूजिक बोलिए, इंस्ट्रूमेंटल बोलिए या आर्टिस्ट बोलिए, जो कला के मध्य पेंटर है, स्कल्पचर बनाते हैं, वो एक प्रैक्टिस के माध्यम में ही रहते हैं, प्रैक्टिस के साथ रहते हैं। लेकिन हम एक्टर ही हैं जो कुछ नहीं करते, तो हमारे साथ भी ये होना बहुत जरूरी है कि हमें अभिनय को और अच्छा बनाने के लिए और अच्छा कलाकार होने के लिए हमारी जो सोच, हमारा जो समझ, इसको बढ़ाने के लिए हमें, क्योंकि अभिनय एक ऐसी चीज है जिसमें सारे कलाओं का संगम है, डांस भी है, म्यूजिक भी है। मैं 6 ईयर कंप्लीट करने के बाद मैंने पिताजी से यही बोला था कि पापा मैं अकेला तो गाना गा सकता हूं, मेरी बहन अकेली डांस कर सकती है। मेरी बहन 6 ईयर कथक कंप्लीट किया था, तो पापा ने बोला कि तू क्या करना चाहता हूं। मैंने कहा मैं अभिनय करना चाहता हूं। तब मैं क्लास 10 में पढ़ता था, तो पापा ने बोला कि पहले हायर सेकेंडरी कंप्लीट करो,
उसके बाद तो आफ्टर माई हायर सेंचुरी दैट इज द ईयर ऑफ 1971 आई स्टार्टेड माई थिएटर. लेकिन पहली बार जिस गुरु के पास मैं गया था उनका नाम है गौतम मुखर्जी. उनका एक नाटक का ग्रुप है शौविक सांस्कृतिक चक्र बंगाल में. तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम पोएट्री रिसाइट करना कर सकते हो. तो मेरे मुंह से निकल गया था क्या आवृत्ति. उन्होंने मुझे बोला कि हाथ सामने कर और स्टील की जो वो जो स्केल है उससे मेरे हाथ में कम से कम 5-6 बार मतलब जोर जोर से लगा. मैंने बोला हाँ बहुत लगा. तो उन्होंने बोला था कि आवृत्ति नहीं है आवृत्ति है पी थ्री है पितरी नहीं है पितरी मातृ. तो शब्दों के आधार को समझना मैंने उनसे सीखा. और एक बार मुझे मौका मिला था 2001 में मतलब एनएसडी से पास आउट होने के 20 साल बाद. मैं उस वक्त इंडो बांग्लादेश मतलब जो बांग्लादेश है और हमारे इंडिया है उस समय बिफोर इंडिपेंडेंट एक साथ काम होता था थिएटर होता था. तो उसके ऊपर मैं एक काम कर रहा था. तो मैं बंगाल के जो मशहूर एक्टर है शंभू मित्रा जी उनके पास मैं पहुंच सका था कि सर मुझे कि मतलब आपका एक इंटरव्यू चाहिए. तो उन्होंने बोला ठीक है आ जा. तो मैं गया था. तो जाने के बाद जब इंटरव्यू के लिए बातचीत चल रही थी अचानक उन्होंने चश्मा उतारने के बाद वो पूछ रहे थे. तो मैंने देखा उनका चश्मा इतना मोटा है. तो मैंने उनसे पूछा कि दादा आप बिना चश्मा देख सकते हैं. बोले नहीं रे मैं नहीं देख सकता बिल्कुल धुंधला लगता है. तो मेरे मुंह से निकल गया तो फिर आपने ईडीपस कैसे किया. ईडीपस में तो चश्मा नहीं था और आप एक सीढ़ी से ऊपर जा रहे हैं नीचे आ रहे हैं कैसे किया आपने. बोले बेटा मैं हर परफॉर्मेंस से पहले मैं पूरा स्टेज को नाप लेता हूं मेजरमेंट. तो मेरे मुंह से निकल गया कि मेजरमेंट आपको ये मैं पहली बार सुन रहा हूं. तो मैं उसके बाद मैं घर आया एक कलकत्ता से मुंबई आया. मुंबई आने के बाद मेरा पहला प्रचेष्टा ये था कि मैं जिस घर में रहता हूं. गौर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स थिएटर बाय आइडिया ग्रुप मुंबई. क्या बात एक बार जोरदार तालियां हो जाए आपके. वो जो शुरुआत में बजी थी ताली ने वो ज्यादा जोरदार थी. एक बार फिर हो जाए फिल्म या सीरियल है ओटीटी चैनल पर करना चाहते हैं वो रंगमंच को सीढ़ी ना बनाए. रंगमंच दिल से करें प्यार से करें और जी जान से करें बस सीढ़ी ना बनाए उसको कि भाई हमको जाना है थिएटर दो चार कर लिया उसके बाद हम फिल्म में करेंगे सीरियल करेंगे या करें तो आपसे पैसे जरूर कमाइए लेकिन सीढ़ी ना बनाए वो करते रहे. और मैं सबसे ज्यादा शुक्रगुजार हूं जो इंटर कॉलेजिएट ड्रामा कॉम्पिटिशन होती है जहां से परेश रावल नाना पाटेकर अमजद खान बहुत सारे दिग्गज आए हैं. इंटर कॉलेज ड्रामा कंपटीशन का मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूं जैसे उसमें इप्टा है उन्मेष फेस्टिवल है यूनिवर्सिटी का यूथ फेस्टिवल है कॉपूड हो गया बहुत सारे ऐसे बॉम्बे में कम से कम 50 कंपटीशन होते हैं ओपन एंड इंटर कॉलेज. मैं उन सबका आभारी हूं वहां पर मुझे सर्वश्रेष्ठ लेखक से लेकर डायरेक्टर से लेकर एक्टर से लेकर सभी प्रकार के अवार्ड मिले और उसके बावजूद मैं इस मंच पर आया.
इस वक्त हमारे जमाने में एनएसडी एनएसडी चर्चा होती थी 80s में 85 में, तो हम लोग भी सोचते थे चलो ठीक है, हम लोग यहाँ करते थे, मंच करते रहे 91 में जब मैंने एमए हिंदी साहित्य से किया, तो उसके बाद मेरे सामने दो थे कि क्या करें, थिएटर करें या फिल्मों की तरफ जाएं। तो मैंने 96 में प्रतीक आर्ट थिएटर नाम की एक संस्था बनाई, उस संस्था के तहत काफी कार्य करते रहे। लेकिन 2003 में मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा तब्दीली आई। वो तब्दीली ये थी कि विजय तेंदुलकर साहब का प्ले मैं मुझे डायरेक्ट करने का अवसर मिला। मैं विजय तेंदुलकर के घर गया, उनसे लिया वो प्ले लिया, उसका नाम था मसाज, जो 22 और 23 सालों से लगातार हर सिटी में, हर शहरों में, यूएसए में, हर जगह वो हर जगह उसके शोज होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एनएसडी में अमाला जी थी, उन्होंने कहा कि अमर हमें ये प्ले चाहिए, तो एक शो चाहिए। तो हमने कहा ठीक है, हमने कहा कि हम आ जाएंगे एनएसडी फेस्टिवल में। उसके बाद ये हुआ कि नहीं, दो शो चाहिए, वो फॉल हाउसफुल हो चुका है, फिर तीसरा शो, फिर उसका जयपुर में फेस्टिवल और था वहां। ऐसे करके कम से कम 3 या 4 शो एनएसडी फेस्टिवल के लिए किया गया उस प्ले का। तो मैं शुक्रगुजार हूँ एनएसडी का भी कि उन्होंने भी हमें किया और एनएसडी रखी ना। जहां तक गुप्ता जी की बात है, तो इनको मैं 1998 में मिला था, हम शूटिंग के सिलसिले में वीर सावरकर फिल्म में, वीर सावरकर फिल्म में मैंने भी काम किया था, इन्होंने भी, तो हम वहां मिले थे। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ कि इनकी जो धरपत्नी है, आप लोग रेखा गौड़ के नाम से जानते हैं, लेकिन मैंने वो रेखा गौड़ के नाम से सेव नहीं किया है, रेखा संतानी के नाम से सेव किया है। क्योंकि एक रेलवे के प्रोग्राम्स में हम लोग करते थे, साथ में करते थे, और वहां से ये सिलसिला शुरू हुआ। और हमारे मीडिया पार्टनर्स का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने आज अपनी सेवा यहाँ पे प्रदान की है। और अनूप सर का बहुत बहुत शुक्रिया, और रेखा मैम और रोहिताज सर का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने आज यह मंच प्रदान किया है हम सभी के लिए। और in Hindi and Marathi film industry, television and theatre. She is best known for her role as Shanti Masi in Sasural Genda Phool and Kanta Ben in Kal Ho Na Ho. She made her television debut with the Indian television industry's first sitcom, Ye Jo Hai Zindagi, which aired on DD National in 1984. In 1997, she won the Screen Award for Best Comedian for her movie Maxwell. नमस्कार। आज ये जो सम्मान हो रहा है ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन की तरफ से, मैं समझती हूँ ये मेरा नहीं, कला का सम्मान है, क्योंकि आर्टिस्ट तो आते जाते रहेंगे, लेकिन कला जो है वो अजरम है। और जहाँ पे कला का सम्मान होता है, जहाँ पे कलाकार कला के माध्यम से क्या क्या हासिल कर सकते हैं लोग जानते हैं, ऐसा है लोगों में कला कैसे कैसे समाज में लोगों को जगाती है, समझाती है, आगे लेके चलती है, ये एहसास जहाँ पे हो उस समाज की, उस देश की और सारे विश्व की प्रगति होनी चाहिए। और ऐसा काम जिन्होंने शुरू किया है, ये कार्य चलता रहना चाहिए और ज़्यादा लोग इससे जुड़े रहने चाहिए, तो फिर मुझे नहीं लगता कि हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे विश्व में किसी चीज़ की कमी होगी। बिकॉज कला जो है ना धर्म जानती है, ना जाति जानती है, कोई सीमा नहीं जानती। तो अगर ऐसा हो जाए तो भाईचारे के लिए फिर और किसी के लिए मोहताज रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कला सबसे बड़ा माध्यम है जो इन सारी चीज़ों को पॉसिबल कर सकता है।
थैंक यू सो मच, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा एक्टर और किसी तरह कराची कवर करते हुए कराची बिरादरी को बढ़ाते रही है, तो फिर आपको पता है क्या होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। और मैम इप्टा में है और हम सबके फेवरेट हैं, और अगर मैं और रोहित से इप्टा में पिछले 7 सालों से हूँ मैं, अभी मैं अपनी उम्र नहीं बताऊंगी, आपको पता चलेगा 17 साल की उम्र में आई थी और 60 साल जो हूँ मैं, बल्कि 61 साल हो गए, और जो कुछ भी मैं हूँ कला के क्षेत्र में वो सिर्फ इप्टा की वजह से हूँ, क्योंकि और कोई मुझे, मेरे पास कोई और ट्रेनिंग इप्टा के अलावा है नहीं, जो कुछ मुझे एक्चुअली इप्टा ने मुझे बनाया है आर्टिस्ट, तो इप्टा की तो मैं शुक्रगुजार हूँ ही, और जब तक सांस है तब तक इप्टा में रहूँगी। मैम 61 साल से है, और मैम ने ये भी देखा है कि जब रोहित जी और मैं इप्टा में मिले थे तो हम दोनों इप्टा में ही जुड़े हैं, और इप्टा का कितना बड़ा लिखिए हाथ है हमारे इसमें, अदरवाइज हम आज साथ में नहीं होते अगर आप, मैं, हम दोनों इप्टा में नहीं होते तो, क्योंकि आपको तो पता है कि आपके तिवारी जी कैसे हैं, सोचिए। ये तो बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि शादी हो गई, नहीं तो हमसे तो कोई तैयारी नहीं था करने के लिए, क्योंकि सबसे पहले यही प्रश्न आता था कि करता क्या है। तो एक मेरे विनीत भाई है एक्टर दोस्त, वो डायरेक्ट कर रहे थे इप्टा से एक प्ले, तो उन्होंने कहा रोहित शादी कर लो, हमने कहा करवा दो, तो उन्होंने उनको बुलाया और उनसे कहा इनसे कर लो, मैंने कहा ऐसे कैसे कर लो, कहते सर्विस करती है तू नहीं पाल पाया तो ये पाल लेंगी, ऐसे हुआ। ये छोटी सी लव स्टोरी के बाद जोड़ाता दिया। तो चलिए आज की इस सुदर्शन गौर कला गौरव सम्मान के इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं, और जहां बात हुई इप्टा की, तो इप्टा के एक और महान कलाकार को हम मंच पर इनवाइट करना चाहते हैं, तो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें ओम कटारे सर का। ओम कटारे सर इज एन इंडियन एक्टर इन्वॉल्व्ड इन बोथ हिंदी सिनेमा एंड थिएटर, एडिशनली इज अ डायरेक्टर एंड प्लेराइट अंडर द बैनर ऑफ द यात्री थिएटर व्हिच ही एस्टैब्लिश्ड इन 1979। हिज थिएटर ग्रुप हैज प्रेजेंटेड ओवर 50 प्लेज परफॉर्म्ड ओवर 4,700 टाइम्स। Alongside his team, he organizes performances in Mumbai, across India and internationally. He actively conducts theater workshops to support and promote emerging talent. And some of his plays are Kasai Banda, Hai Padosan, Govinda Alare, Jeene Bhi Do Yaro. And when I searched, I didn't have a list. I didn't have so many plays. Thank you so much. Thank you so much. ऑडियंस इतनी समझदार है कि तालियां खुद ब खुद बजा रही है। थैंक यू सो मच। इतनी शक्ति हमें देना दाता, बच्चे भी गा रहे हैं, जवान भी गा रहे हैं, बूढ़े भी गा रहे हैं, सब गा रहे हैं। मुझे भी जब अवसर मिलता है किसी कॉन्सर्ट में तो मैं इस गाने को गाता हूँ, और मैं ये देखता हूँ कि सब गा रहे हैं। अगर 2000 बैठे हैं तो 2000 गा रहे हैं, 200 बैठे हैं तो 200 गा रहे हैं। तो आज भी आइए हम सब स्वर मिलाए और एक लाइन गाने। इतनी शक्ति हमें दे न दाता,
सर के लिए। तो आज हम सम्मान समारोह का शुभारंभ करते हैं और सबसे पहले हम कुलदीप सर को अवार्ड दे रहे हैं, तो एक बार फिर से जोरदार तालियां। और कुलदीप सिंह जी इज अ म्यूजिक डायरेक्टर फॉर हिंदी थिएटर एंड हिंदी फिल्म्स, मोस्ट नोन फॉर कंपोजिंग गजल सच एज तुमको देखा तो ये ख्याल आया एंड कितनी शक्ति हमें देना दादा। ही हैज बीन एक्टिवली इन्वॉल्व इन गिविंग म्यूजिक फॉर थिएटर एंड इज इन्वॉल्व विद इप्टा। ही हैज कंपोज फॉर पॉपुलर एक्ट्स लाइक आखिरी शमा, कैफी और मैं, गिरिजा के सपने, विच आर रेगुलरली फीचर्ड इन मुंबई एंड अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। एक बार जोरदार तालियां हो जाए कुलदीप सिंह का के लिए। थैंक यू सो मच सर। एक साथ इतने सारे लोगों को और वरिष्ठ रंगमंच के कलाकारों को देख के बहुत खुशी हो रही है, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। आप सभी से बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है और आज के शाम में हम सभी कुछ न कुछ सीख कर जाएंगे। और जहां तक नए आने वाले कलाकार हैं उनके लिए भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। सर जरा आप लोग बैठ जाएंगे तो हमको मिल जाएगा, जरा हो गया सर 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 बैठ 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 जरा साइड हो जाएंगे तो हम लोग को मिल जाएगा। सुलभा मैम और तमाम रंगमंच के वरिष्ठ कलाकार, तो आप सभी गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत करना जोरदार तालियों से स्वागत करें। और जैसा कि हर एक कार्यक्रम की शुरुआत में दीप प्रज्वलन होता है, ईश्वर की आराधना करते हैं फिर हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो इस तरह शुरू हो चुका है सुदर्शन गौर कला सम्मान और 2024 के इस आज के आयोजन में आप सभी साक्षी हैं और आज का ये दिन यादगार रहेगा रंगमंच की दुनिया के लिए और आने वाले हर साल में हम इसी तरह से ये कला सम्मान आयोजन करते रहेंगे। सर एक ग्रुप फोटो चलो ले मैंने, तू है बड़ा भाई।